पल्ली ये भारत की पहली पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ये वही यादगार पंचायत है जहां 24 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पंचायत राज डे मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर पल्ली पहुंचे जहां जम्मू कश्मीर यूटी के लाखों लोगों से उन्होंने खिताब किया। उसी दिन से इस पंचायत का कार्बन न्यूट्रल पंचायत के लिए सफर शुरू हो गया। पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने 3000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 500 किलोवाट के सोलर प्लांट और दो अमृत सरोवर्स का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उन्नत भारत के तहत एक सर्वे किया गया जिसमें 641 परिवारों को शामिल किया गया। पूरी पल्ली पंचायत के अधिकृत 3 गांव आते हैं, उनकी जो है वेस्ट यूटिलाइजेशन, उसमें कितनी वेस्ट जनरेट होती है, उनकी एनर्जी यूटिलाइजेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को हमने वो रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के बलबूते पे फिर जो है एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया। पंचायत से हर किस्म के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इस सर्वे की बुनियाद पर 10 करोड़ रुपए का मनसूबा बना, जहां जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना काम निभाया, वहीं पंचायत के लोगों ने भी ये ओथ लिया कि वो पल्ली से हर किस्म के पोल्यूशन को खत्म करके ही दम लेंगे। जहां डीजल और मिट्टी के तेल पर चलने वाले मेटाडोर और दीगर गाड़ियां बंद करके ई रिक्शा और इलेक्ट्रिकल बस सर्विस शुरू की गई है, वहीं सोलराइजेशन पर खास तवज्जो दी गई। मुझे ये बताते हुए बहुत गौरव अनुभव होता है कि पल्ली पंचायत में आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो ये जानते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, कार्बन एमिशन क्या है, और किस प्रकार से अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन से किस प्रकार वो न केवल अपनी पंचायत, अपने आसपास की पंचायतें, जिला सांबा की सभी पंचायतें और बाद में पूरे देश की पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। मोटर वाले पंप खत्म करके सोलर हैंड पंप लगाए गए और जगह जगह सोलर लाइटें इंस्टॉल की गई। पल्ली के लोगों की सोच में जबरदस्त तब्दीली आई है। ये पंचायत क्लीन एंड ग्रीन पंचायत बनने की राह पर है। आज पल्ली प्रोग्राम की एनिवर्सरी के मौके पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सारी पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने का फैसला लिया है। उसके तहत जम्मू कश्मीर की सारी पंचायतों का एनर्जी सर्वे करवाया गया है, जिसके लिए ई ग्राम संपदा ऐप भी लॉन्च किया गया है। बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के तहत हर पंचायत का प्रभारी ऑफिसर अपनी पंचायत में ये सर्वे करवाएगा और उसकी रिपोर्ट इस ऐप के तहत अपलोड करेगा, जिसके बेसिस पे हर पंचायत का एक लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एक साल में जम्मू कश्मीर की सारी पंचायतों का लोकल क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रिपेयर हो जाएगा और हमारे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में ये प्लान इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे हमें जम्मू कश्मीर की सारी पंचायतों से कार्बन फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पंचायत घर और अमृत सरोवर के साथ आयुष की तरफ से एक वाटिका बनाई गई है जिसमें 48 किस्म के मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं। पल्ली पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल पंचायत के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक एक कैलकुलेशंस की गई और वो हमारी एक धारणा है कि आने वाले वक्त में हम सभी पंचायतों के लिए कार्बन न्यूट्रल पंचायत के लिए व्यवस्था बनाएंगे और उसका एक प्लान बनाएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। आपको ये जानने में बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ सभी सर्विसेज आज के दिन में ऑनलाइन है और कोई भी ऑफलाइन सर्विस नहीं मिलती है, सभी ऑनलाइन होती हैं। इसकी वजह से भी पंचायतों में लोगों को ईज ऑफ लिविंग में बहुत सुविधा मिली है और अगर हम ओवरऑल देखें तो चाहे वो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हो या फिर जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि अमृत सरोवर का प्रोग्राम हो या स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम हो, जम्मू कश्मीर आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है।